हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ यूएस सोरा सिजवान और ये ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है धर्मशाला से, क्योंकि कल हमने करना है त्रियुंड का ट्रैक। तो धर्मशाला में अभी हम हैं और थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं। यहाँ से आगे धर्मकोट पड़ता है, वहाँ पर आज हम स्टे करेंगे और कल जो है वो त्रियुंड का ट्रैक स्टार्ट होगा। आप ये देख सकते हैं नज़ारे धर्मशाला के, देखो क्या ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ से नीचे के लिए, और यहाँ पर जिप लाइन भी है, तो अगर टाइम मिला तो ये भी कर लेंगे। स्टे ट्यून विद अस, दिखाएंगे आपको पूरा ब्लॉग त्रियुंड का, मिलते हैं आपको। और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नकलोडगंज से, जो पड़ता है हिमाचल स्टेट में। और आज के ब्लॉग में कुछ दोस्त हमारे साथ में हैं, और ये अपना भाई, और भाई क्या हाल है, ये दूसरा भाई है और वो बैठा तीसरा। तो भाई यहाँ पे कौन कौन सी जगह है जो घूमने लायक है, जहाँ घूम सकते हैं? यहाँ पे बागशुनाग वाटरफॉल है घूमने के लिए, और यहाँ पे बागशुनाग टेम्पल है, और अभी हम त्रियुंड का ट्रैक है ना। हाँ, तो भाई इसके बाद अभी हम जा रहे हैं त्रियुंड के ट्रैक पे। यहाँ पे हमने एक होटल किया हुआ था, तो कल हम यहाँ पे आ गए थे और आज त्रियुंड का ट्रैक है। आज रात को हम वहीं पे कैंपिंग वगैरह करेंगे पूरा, है ना भाई? यो गाइस, पूरे मजे होने वाले हैं, तो इस ब्लॉग में बने रहे, मिलते हैं आपको ट्रैक के रास्ते में। बाय। सो भाई मैकलोडगंज से धर्मकोट का रास्ता पड़ता है 2 किलोमीटर का, तो अभी हम वहीं के लिए चल रहे हैं। और ये अपनी गैंग आगे आगे चलती हुई, जगह जगह ऐसे रोड टूट रखी हैं, टूट रखी नहीं है मतलब टूट चुकी थी। तो भाई धर्मकोट रह गया ओनली 1 किलोमीटर यहाँ से, भाई देख रहे हो, ये देखो इतनी लंबी। और ये मेरे साथ है जो बंदे सारे थक चुके हैं, पर एक मैं ही हूँ जो इतना खतरनाक चलता हूँ। और हर ब्लॉग में भाई हम ऐसे चढ़ते हैं, क्योंकि पता ही है आपको, ये देखो बंदे की हालत देखो, अभी से थक गए भाई, है ना? तो ऐसी है भाई, इनको हौसला देना पड़ता है अपने साथ साथ चलाने के लिए। ट्रैक से पहले थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं, है ना भाई? हाँ भाई, बहुत जरूरी है एनर्जी, बहुत जरूरी है। देखो त्रियुंड का ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, यहाँ से धर्मकोट से हमको जाना है गल्लू, है ना? हाँ, गल्लू जाना। गल्लू पे थोड़ी चेकिंग होती है बैग बुक की, और उसके बाद जो असली ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। और यार रास्ते बहुत ही खराब है, रास्ते पूरे खराब है, ये देखो, मतलब इतने भी खराब नहीं है, चलने लायक तो है। और हमने आमलेट वगैरह सारा कुछ खा लिया है, ना राहुल? एनर्जी आ गई? नहीं, इस पे तो आती नहीं है भाई एनर्जी, इस पे बताइए आपको। भाई की एनर्जी आती नहीं है, वो थोड़ी देर बाद आएगी जब ये रोल खाएगा चॉकलेट वाले, क्योंकि एक गड़बड़। धर्मकोट से एक रास्ता जाता है गल्लू के लिए, तो रोड हम जाने लग गए थे, तो थोड़ा आगे आए वहाँ से, कुछ लोगों ने बताया कि धर्मकोट से एक शॉर्टकट जाता है, अगर ये जो रास्ता है यहाँ से जाएंगे तो कम से कम 2-3 किलोमीटर है, और धर्मकोट से जो शॉर्टकट पड़ता है वहाँ से जाएंगे तो 1 किलोमीटर है। तो अब दोबारा वापस जा रहे हैं भाई, वैसे ऐसे ही होता है हर ट्रैक में हमारे साथ, वो जाते कहीं पहुँचना कहीं और होता है। अब कम से कम 600 या 700 मीटर चढ़ गए थे, अब दोबारा नीचे उतर रहे हैं, वो शॉर्टकट से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाएंगे फिर 2-3 किलोमीटर लगेगा, इसलिए दोबारा वहीं से चलते हैं। और बस बने रहे अपने ब्लॉग में, इसको लाइक करें, शेयर करें, बस ऐसे ही है यार, अपना ट्रैक ट्रूक करते रहते हैं बस। ये शॉर्टकट अपना, ये जंगल के ऊपर से हमको चढ़ के जाना था, और हम रोड से जा रहे थे। देख रहे हो भाई, पूरे गाने बजा रखे हैं राहुल ने, पूरे गानों की फील लेते लेते हमारे लड़के नाचते हुए जा रहे हैं पूरे। ओए धीरू, ओए ओए ओ, Oh,
जहाँ देख रहे हो वहाँ से चले हैं। ये पूरा रास्ता जितना भी दिख रहा है ये और यहाँ से पूरा कवर करके यहाँ पे आए हैं। अभी यहाँ से और भी ऊपर जाना है, कुछ लोग यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं। 4 किलोमीटर कवर करके हम पहुँच चुके हैं मिड पॉइंट पे और यहाँ पे हम आधे घंटे से बैठ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद कितना पड़ा होगा, 8-9 किलोमीटर रोड पड़ा हुआ है। तो ये देखो नज़ारे आगे चलते हैं, बहुत थक चुके हैं गाइस, अब चलते हैं हम आगे। आधा रास्ता पार हो चुके हैं वैसे। तो भाई पसीना देख रहे हो आप, तो आई थिंक हमने कवर कर लिया है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। प्रकृति को साफ सुथरा रखें। चले जा रहे हैं हाई नीरा गाइस। इन्होंने हमें 9 किलोमीटर बोला था पर भाई इन्होंने हमें 12 किलोमीटर चला दिया। सही बात है। हाई नीरा भाई कब आएगा भाई साहब, कब आएगा बताओ भाई, कब आएगा पता नहीं भाई। भाई हमारी तो ना होगी, हम यही टेंट लगाएंगे भाई आज रात, यही सो जाएंगे भाई अब जंगल में ही। बस अब हम थोड़ा सा और चलेंगे फिर नहीं चलेंगे भैंस की आंख। फाइनली 12 किलोमीटर चलने के बाद ये देखो, सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। त्रियुण भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, खड़ा आगे तो नजारा भाई, ये देखो एक नंबर है यार, एक नंबर व्यू। ओ ऊपर वहां पे टेंट वगैरह भी लगते हैं, यहाँ पे त्रियुण है। और इसके बाद हम जाने वाले हैं कहाँ पे, लाल कोटी ऐसा कुछ है भाई। वो देख रहे हो आप, वो जगह वो है, हट जा साइड हो, देख रहे हो आप वो ऊपर टॉप, वहाँ है स्नो लाइन। तो अब हमको त्रियुण के बाद जाना है स्नो लाइन, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये बुग्याल है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे भी कैंपिंग होती है, बट जो मॉर्निंग व्यू आता है सबसे बेस्ट वो है टॉप पे, वो उधर उधर, तो वो टॉप पे हमको जाना है क्योंकि वहीं पे एक बेस्ट व्यू दिखेगा। और यहाँ से कम वहाँ जाने के लिए हमको 2 या 3 घंटे और लग जाएंगे। तो अभी 2 बज रहे हैं, सुबह हम 9 बजे चले थे, 9 बजे के बाद हम 2 बजे तक त्रियुण में पहुँचे और उसके बाद अब 2 बजे के बाद ओ टॉप पे। तो आई थिंक 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, तो जो बेस्ट व्यू है सुबह के वो देखने को मिलेंगे वहाँ पे। सो चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ रुक के फ़ायदा भी नहीं है, ट्रैक असली वहीं का है, तो वहीं चलेंगे। Let's go. अभी ये साफ दिख रहा था भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम मैगी वगैरह खा के ऊपर के लिए निकले रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई है। साथ में ओले भी पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो, और हम रास्ता भी भटक चुके हैं रास्ता यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, हम इस तरफ से गए थे यहाँ भी नहीं है। अब ये कोई जगह है पत्थरों के बीच में, ये देखो ये भी पत्थर, यहाँ भी और ऊपर किसी ने बना रखा है, पर यहाँ है कोई नहीं। अब क्या करें भाई, कहाँ से गए भाई, अब पता नहीं यार, टेंशन हो रही है भाई, अब देखना पड़ेगा जाके, मतलब अगर रास्ता मिलेगा तो ऊपर के लिए। अपने 2 दोस्त तो जा चुके हैं ऊपर, कहीं बीच में होंगे, तो चलते हैं। ये पत्थर के नीचे बैठ रहे हैं हम, क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज, और आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि 2 लोग पीछे छूट चुके हैं, और राहुल का जो रेनकोट है वो भी मेरे पास है, तो वो आगे भी नहीं आ सकता क्योंकि भीग जाएगा भाई। हम पहुंच चुके हैं लाका, और त्रियुण से हमने कम से कम 2-3 घंटे की ट्रैकिंग थी वो की, और बीच में इतनी तेज बारिश हुई, अभी भी थोड़ा भीग रखे हैं हम। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखो पीछे पूरे स्नो माउंटेन, अभी तो स्नो थोड़ी कम है बट एक पंगा हो गया, हमारे 2 दोस्त पीछे रह चुके हैं, वो अभी तक आए नहीं है, शायद थोड़ी देर में आ जाए। और यहाँ पे इलाका पे हमने कैंपिंग बुक कर ली है यहाँ पे अपनी, और उसके बाद बोन फायर होगा, पूरे फुल मजे हैं। बट जो व्यू है यहाँ का है ना भाई, क्या भाई वर्थ है यहाँ पे आना वर्थ है, क्योंकि त्रियुण में इतना वो नहीं है, बस ओनली एक पार्क जैसा है और थोड़े 2-3 कैंप है, यहाँ पे तो पूरा ग्लेशियर है पीछे, और यहाँ पे हम
मजे करेंगे आज। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई सबको कि यहाँ तक आओ। सही बात है, बस ये है कि नीचे से लोग बोलते हैं कि एक दो घंटा है, बट बहुत 3 घंटे तो लगते हैं उनको, 3-3.5 घंटे, 3-4 घंटे लग जाते हैं, बट अगर जल्दी जल्दी चलो तो 3-3 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। बाकी यहाँ के व्यू आपको चेक कराते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आ चुके हैं कश्मीर में, पूरी कश्मीर वाली फील आ रही है यहाँ पे। बहुत भाई, बहुत ठंड है पूरा यहाँ पे। ये बुग्याल है, एक बुग्याल टाइप का है जहाँ पे टेंट वगैरह हम लगा रहे हैं। बस एक ही टेंशन है, वो दो पता नहीं कहाँ चले गए भाई, बस वो आ जाए उसके बाद तो मजे ही मजे है। शायद यार नीचे ना चले गए, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो यहाँ आने का फायदा ही नहीं है ना। वो तो है, इतनी दूर आए फिर ऊपर आए नहीं, क्योंकि त्रिवेणी में तो कुछ भी नहीं है, सबसे मेन तो यही जगह है ये देखो पूरा। और ये देख रहे हो आप कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे भी कैंपिंग होती है उससे आगे भी, बट हमने यहीं पे ले लिया है क्योंकि यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो तो सबसे बेस्ट है। वहाँ से अगर इधर को देखेंगे फिर तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। कुछ यहीं के नज़ारे हैं, ठंड हो रही है, फुल फुल ठंड हो रही है, बोन फायर आग जला के देगा कैंपिंग के लिए, रात को आग सेकेंगे मजे से, और कल सुबह निकलेंगे फिर नीचे के लिए। आई थिंक 3 या 4 बजेगा नीचे पहुँचते पहुँचते, उसके बाद घर। फिर हम अपने भाई का वेट कर रहे थे, दो जने वो नीचे छूट गए थे, हमें लगा ऊपर चले गए, तो हम चलते गए और हम पहुँच गए। उसके बाद ये दो भी आ चुके हैं, अब करेंगे मज़े पूरे टेंट में। ऊपर टेंट तो हमने बुक करा लिया है पूरा दो बंदों का, और दो का और उनको पेमेंट कर दिया क्योंकि टेंट बुक हो जाते हैं ना बहुत जल्दी। तो बस फिर अब इसके बाद चलते हैं ऊपर बहुत जल्दी, ऊपर तो हम पहुँच ही रखे हैं, बस ये थोड़ा सा 2-3 पहाड़ क्रॉस करने हैं, और वहाँ पे हम थोड़ा आगे आए थे इनको देखने के लिए कि भाई कहाँ तक पहुँचे हैं। चलते हैं फिर, एवरीवन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक व्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम उठ चुके हैं, हमारे कैंपिंग लोकेशन ये थी जहां हमने कैंप लगा रखा था, और यह है स्नो लाइन जो त्रिवेणी से कम 4 या 5 किलोमीटर ऊपर है। तो यहां पे हम कल रात सो रखे थे, बट यहां पे अभी इतनी ठंड हो रही है, और जो सामने पहाड़ थे जो कल मैंने आपको दिखाए थे वो तो पूरे ढक चुके हैं, वो अब तो पूरी धुंध धुंध हो चुकी है वहाँ पर। और ऐसा करते हैं नीचे चलते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, बारिश भी लगी हुई है, तो चलते हैं। बाकी ये अपना कैंप है जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो इस पे वो लगा लेना टाइमर, फोटो आ जाएगी। और यहाँ के बाद कहाँ जाना है हमने? यहाँ के बाद भाई धर्मकोट। धर्मकोट, हाँ, तो उसके बाद हम धर्मकोट जाना है यहाँ से, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि धर्मकोट में मारनी हमको डुबकी, है ना। वहाँ पे एक वाटरफॉल है बहुत अच्छा बागशुनाथ में, तो वहाँ चलते हैं। बाकी बैग वगैरह ले लिया भाई हमने, चल आ जा राहुल। क्या आ जा, तू चलता रह मेरे साथ, अपना फोन लगा ले, वो बाद में चलेगा भी नहीं है फोन, अभी लगा लूंगा थोड़ी देर में।
जल्दी आ जा। भाई जिसको फोटो चाहिए वो गूगल पे कर देना। लाइन से हम पूरा उतर चुके हैं नीचे, यहाँ पे भागशू में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक झरना है, वहां पे अभी हम डुबकी मारने वाले हैं क्योंकि थकान हो गई है बहुत ज्यादा, और 3-4 घंटे हमें लगे उतरने के लिए। और भागशू के बाद हमें ज्वालाजी भी जाना है, वो रास्ते में ही पड़ता है, तो पूरा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे जितने भी नई नई चीजें आती रहेगी रास्ते में। और ये देखो भाई, बताना जरा भाई, यार पैर पे नील पड़ गया यार। ये देखो भाई ये देखो भाई, पांव टूट चुके हैं, हर बंद हो गए, ये ऐसे कांप रहे हैं क्योंकि इतना ऊपर से चले हैं। पूरा सुबह 6 बजे चल गए थे ना, 6 बजे से अब कितना 11 बज चुका है, बस बुरी हालत हो चुकी है। सारे इनके चेहरे देखो इनके चेहरे देखो, हम ये चेहरे देखो, हम तो थकते ही नहीं है भाई, यही है बस अपना। तो मिलते हैं आपको भागशू वाले डुबकी मारते हुए एकदम मछली बनते हुए, है ना भाई? क्या बन जाएंगे? मछली बन जाएंगे ना, मछली बट डॉल्फिन बन जाएगा, डॉल्फिन बन जाएगा भाई। चलो ओके, भागशुनाथ से निकल गए थे हम, और वहाँ से रास्ते में घर के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में पड़ता है ज्वालाजी। और अब जब यहाँ तक आ गए तो यहाँ जाना तो बनता है, तो प्रसाद वगैरह ले लिया और चलते हैं भाई मंदिर में दर्शन वगैरह करने के लिए। क्या किस्मत है हमारी, हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पता चला कि 6:30 बजे आरती के लिए ये बंद हो जाता है, लेकिन हम 6 बजे पहुँच गए और पूरे दर्शन हो गए। जैसे ही हमने दर्शन ख़त्म करे तो मंदिर भी बंद हो गया, मतलब आरती वगैरह होने लगी, कोई अंदर जा नहीं सकता है इस टाइम के लिए। 6 बजे द्वार बंद हो जाते हैं भाई, वहाँ पूरे 5:50 पे पूरे टाइम पे हम पहुँच गए और दर्शन भी हमने कर लिए। अब चलते घर के लिए क्योंकि भाई लेट भी बहुत हो गया है।